आज दिवंगत नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई। पार्टी के कुल 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के साथ बगावत कर दी और उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय दल की सभी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई। एलजेपी में टूट की एक बड़ी वजह चिराग की अपनों से नाराजगी बताई जा रही है, जिसका फायदा जेडीयू ने जमकर उठाया। इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी जेडीयू के 3 कद्दावर नेताओं के हाथ में थी और जिन्होंने एलजेपी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इनमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का, जो वर्तमान में जेडीयू से सांसद हैं, और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हाजरी का भी इनमें नाम शामिल है। वहीं तीसरा नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी बताया जा रहा है। फिलहाल ये सभी नेता दिल्ली में ही मौजूद है और एलजेपी के सभी सांसदों पर निगाह रख रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि चिराग पासवान अगला कदम क्या उठाते हैं। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज से। धन्यवाद।